नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द नर्सिंग ऑर्बिट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट सिंड्रोम्स की जो कि नर्सिंग के एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इनके मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, या फिर इनकी डेफिनेशन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या इनके ये पूछ लिया जाता है कि ये सिंड्रोम्स कौन सी डिजीज कंडीशन में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो आइए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक सिंड्रोम होता है एस्पर्जर सिंड्रोम। ये क्या होता है एस्पर्जर सिंड्रोम की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है ट्रबल विद सोशल स्किल्स। जो कि एक सोशल स्किल्स होती हैं उसमें वो परफॉर्म करने में उस बच्चे को डर लगता है, उसमें उसको ट्रबल फील होता है। ये मोस्ट कॉमनली चाइल्ड में देखने को मिलता है। और जो भी कोई जो सिंपल एक्टिविटीज होती है, जो डेली रूटीन एक्टिविटीज होती है, उनको परफॉर्म करने में वो एक्स्ट्रा फोकस की रिक्वायरमेंट होती है उस बच्चे को। और इसके लिए मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इसके मैनेजमेंट के लिए हम उसको बिहेवियर थेरेपी देते हैं, सोशल स्किल ट्रेनिंग और स्पीच थेरेपी भी इसमें हम उसको प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अपनी नॉर्मल जो सोशल स्किल है वो डेवलप कर सके और उसको एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े। नेक्स्ट सिंड्रोम होता है हमारा फ्रेज सिंड्रोम। जो फ्रेज सिंड्रोम होता है, ये होता है स्वेटिंग व्हाइल ईटिंग नियर द ईयर। जो हमारे ईयर के आगे जो पैराटोइड ग्लैंड का एरिया होता है, वहां पे ईटिंग के टाइम पे, खाना खाते टाइम पेशेंट को स्वेटिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेज सिंड्रोम। ये होता क्यों है, इसका कॉज होता है पैराटोइड ग्लैंड का कोई ट्रोमा हो या सर्जिकल रिमूवल किया गया हो पैराटोइड ग्लैंड ट्रोमा या सर्जिकल रिमूवल, इसकी वजह से पेशेंट के पैराटोइड एरिया में, जो कि हमारे यहाँ पे होता है चीक्स के पास में, तो यहाँ पे उसको स्वेटिंग होती है, एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है। नेक्स्ट सिंड्रोम हमारा फर्स्ट बाइट सिंड्रोम। जो फर्स्ट बाइट सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई भी पेशेंट है वो खाना स्टार्ट करता है, फूड ईटिंग करना स्टार्ट करेगा, तो जैसे ही फर्स्ट बाइट लेगा तो उसको पैराटोइड एरिया में, पैराटोइड रीजन में, यहाँ पे चीक्स पे सीवियर पेन होता है पैराटोइड एरिया में, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट बाइट। क्योंकि जब वो फर्स्ट बाइट लेता है, मुंह के अंदर खाना रखता है, उसी टाइम उसको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो अपना खाना छोड़ देता है और उसमें वेट लॉस की कंडीशन देखने को मिलती है। कॉमनली वेट लॉस की कंडीशन मिलेगी देखने को और वो खाना खाने से डरने लगेगा, तो नेक्स्ट टाइम से वो खाना अपना कंप्लीट नहीं खाएगा और उसमें ग्रेजुअली वेट लॉस होता रहेगा। नेक्स्ट सिंड्रोम है एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है यूट्रस में, और यूट्रस में स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होने के बाद में जो यूट्रस की वॉल है वो एडहेशन हो जाती है, यूट्रस की वॉल एडहेशन हो जाती है, जिससे क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड या तो ज्यादा आएगा या नहीं आएगा, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से। नेक्स्ट है हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम। जो होता है मीडियल नर्व इंजरी की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं, साइन एंड सिम्टम्स नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सारे इसके देखने को मिलते हैं। कहां पे, हमारा जो थंब होता है, ये थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और जो थर्ड हमारी रिंग फिंगर होती है, इसमें अपर हाफ ऑफ द पोर्शन, ये वाले फिंगर अपर हाफ ऑफ द पोर्शन, मिडल फिंगर और फर्स्ट फिंगर और जो हमारा थंब होता है अंगूठा, उसमें नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलती है कार्पल टनल सिंड्रोम में। नेक्स्ट सिंड्रोम हमारा कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, इसमें किसी भी एक एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट, जो हमारी बॉडी का कोई भी एक पार्ट है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। किस वजह से, जैसे उससे पहले किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर कोई इंजरी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है या वहां पे कुछ डैमेज हुआ है, उसकी वजह से उसके आगे वाले बॉडी पार्ट में उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। मोस्ट कॉमनली ये लेग में देखने को मिलता है। वैसे इसको अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा रोड साइड एक्सीडेंट या फिर जो फ्रैक्चर की कंडीशन होती है उसमें देखने को मिलता है। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, कट द मसल फेसिया, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस एरिया में कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ है, जिस जहां पे फ्रैक्चर हुआ है, उससे आगे वाले पोर्शन में जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो उस पार्ट की मसल फेशिया को हम कट कर देते हैं, जिससे उसकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर आगे वाले पार्ट में
पहुंचने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट सिंड्रोम है कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो नैरो हो जाती है, नैरो होने की वजह से वहां की ब्लड सप्लाई होगी वो इम्पेयर्ड हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां इस्कीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इस्कीमिया की कंडीशन डेवलप होने से चेस्ट पेन होगा, वहां पे चेस्ट पेन होगा, इसी को हम बोलते हैं कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल बढ़ जाता है एक्सट्रीम लेवल पे, वो हो जाता है जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो एड्रेनल ग्लैंड के से जो हार्मोन निकलते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसका लेवल बढ़ने की वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं देखने के, हमें क्या क्या मिलता है, ट्रंकल ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी, थिन एक्सट्रीमिटीज, पेंडुलम एब्डोमेन, इसमें से क्वेश्चन काफी बार डायरेक्ट पूछा गया है इसके साइन एंड सिम्टम्स से, ट्रंकल ओबेसिटी है, थिन एक्सट्रीमिटीज है, पेंडुलम एब्डोमेन है। पेंडुलम एब्डोमेन का मतलब होता है जो पेंडुलम होता है जो ऐसे झूलता रहता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा पेंडुलम होता है, तो सेम वैसा ही उसका एब्डोमेन की शेप पेंडुलम जैसी होती है, देखने में उसकी जो स्किन होती है वो ऐसे बाहर आके नीचे की तरफ लटकने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं पेंडुलम एब्डोमेन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल बढ़ जाएगा जिससे ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें। नेक्स्ट हमारा डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम जैसे नाम से पता चल रहा है डिसइक्विलिब्रियम कि जो इक्विलिब्रियम है वो डिस हो गया है, मतलब बैलेंस नहीं रहा उसके अंदर। इसमें क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड होता है, जो आईसीएस के अंदर जो फ्लूइड होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो रैपिडली शिफ्ट होके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाता है। तो जब हमारा फ्लूइड आईसीएस से रैपिडली ईसीएफ में मूव होगा तो उसको उससे डिसइक्विलिब्रियम होगा, बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, उसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ये मोस्ट कॉमनली देखने में मिलता है डायलिसिस की कंडीशन में। हमारा नेक्स्ट सिंड्रोम है ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें तीन हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेरिकार्डाइटिस मतलब इंफ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियल लेयर ऑफ हार्ट, पेरिकार्डियल लेयर जो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका इंफ्लामेशन, प्लूरल एफ्यूजन जो प्लूरल कैविटी है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो जाना, और तीसरी चीज इसमें क्या होती है पेरिकार्डियल एफ्यूजन, पेरिकार्डियल जो लेयर है उसके अंदर भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जब पेरिकार्डियल फ्लूइड बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं, उसके लिए टर्म यूज होती है कार्डिया टैम्पोनेड। तो ड्रेसलर सिंड्रोम में हमें ये तीनों चीजें देखने को मिलती है, पेरिकार्डियाइटिस, प्लूरल एफ्यूजन और पेरिकार्डियल एफ्यूजन। नेक्स्ट हमारा गिल्बर्ट सिंड्रोम। गिल्बर्ट सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो ब्लूरूबिन होता है उसका सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, ये मोस्ट कॉमनली न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर देखने को मिलता है, इसमें ब्लूरूबिन का सिंथेसाइज नहीं हो पाता। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग यूज करते हैं हम, जिसका नाम है फिनोबार्बिटोल, फिनोबार्बिटोल नाम की ड्रग इसमें देते हैं इसके लिए। नेक्स्ट हमारा क्रिगलर नेसल सिंड्रोम। हाँ, जो ये गिल्बर्ट सिंड्रोम होता है ना, एक माइल्ड कंडीशन होती है, माइल्ड कंडीशन होती है, लेकिन जब ये सीवियर लेवल पे हो जाता है तो उसको बोल देते हैं हम क्रिगलर नेसल सिंड्रोम। ये गिल्बर्ट सिंड्रोम का ही सीवियर टाइप है, इसी का सीवियर टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लूरूबिन का लेवल होता है, मेटाबोलिज्म होता है, वही पूरा कंप्लीटली अफेक्टेड हो जाता है, इसमें कंप्लीट ठीक से मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं पाएगा ग्लूरूबिन का। और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, फोटोथेरेपी ग्लूरूबिन लेवल को कम करने के लिए, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो लास्ट हमारा बेस्ट ट्रीटमेंट होता है लीवर ट्रांसप्लांट। हमारा नेक्स्ट सिंड्रोम है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये मोस्टली चाइल्ड में देखने को मिलता है, बच्चों में। एक ड्रग होती है, एंटीबायोटिक होती है, ये क्लोरामफेनिकोल, ये एंटीबायोटिक है, ये इसका एक साइड इफेक्ट होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है उसका कलर
ऐश ग्रे कलर, जो राख होती है हमारी ऐश होती है उसके जैसा इसका कलर देखने को मिलता है इसमें। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम्स में हमें देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हाइपोथर्मिया, ये सब इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और इसके ट्रीटमेंट में हम इसके मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एक तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे हम इसमें, हम उसको बच्चे को मोर फ्लूइड्स देके, एक्स्ट्रा फ्लूइड देके इसको हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे। और सम टाइम फीनोबारबिटोल ड्रग है जो, वो भी हम इसमें यूज करते हैं, सम टाइम यूज होती है ये, मोस्ट कॉमनली इसको यूज नहीं करते हैं, इसको सम टाइम हम यूज करते हैं। तो ये हमारा ग्रे वेवी सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा हेल्थ सिंड्रोम, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, इसमें से काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हेल्थ सिंड्रोम होता क्या है? ये हमें एक्लाम्प्सिया की कंडीशन में देखने को मिलता है, जो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होता है उसके बाद में एक्लाम्प्सिया जब स्टेज में पहुंचती है तो उसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा हीमोलाइसिस मिलेगा, हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है। एलिवेटेड लीवर एंजाइम, जब लीवर में डैमेज होना स्टार्ट होगा तो उसके जो एंजाइम्स हैं एसजीओटी एसजीपीटी ये सारे एलिवेट मिलेंगे। नेक्स्ट होता है इसके अंदर लो प्लेटलेट काउंट, तो इसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, लो प्लेटलेट काउंट होने की वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी मिलेगी देखने को। तो ये तीनों सिम्टम है, इसी को मिला के हेल्प बनाया गया है, हीमोलाइसिस का एच, एलिवेटेड लीवर एंजाइम ई एल, और लो प्लेटलेट काउंट को एल पी, ये करके बनाया गया है हेल्प सिंड्रोम। ये मोस्ट कॉमनली एक्लाम्प्सिया में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, सिंपैथेटिक सप्लाई होती है जो हमारी आई की, वो सम टाइम इंटरप्शन हो जाता है उसके अंदर, इंटरप्शन हो जाता है किसी भी वजह से, उसमें रुकावट हो जाती है। तो जब उसमें आई की सप्लाई में रुकावट होगी तो उसके सारे सिम्टम्स हमें आई और फेस पे देखने को मिलेंगे। तो इसके सिम्टम्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। क्या क्या होता है इसमें, टोसिस होता है, जो टोसिस होता है, टोसिस का मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलाइड, आईलिड के ड्रूपिंग हो जाना इनवॉलंटरी मूवमेंट से, ये मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है माइस्थेनिया ग्रेविस में। नेक्स्ट हमारा सिम्टम है एनहाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, एब्सेंट ऑफ स्वेटिंग, मोस्ट कॉमनली फेस, फेस के ऊपर एनहाइड्रोसिस मिलेगा। मियोसिस, मियोसिस होता है प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट, और फेशियल फ्लशिंग, और ये हमें इसमें देखने को मिलता है एनोफ्थाल्मस। एनोफ्थाल्मस में क्या होता है, जो आई होती है वो डीप इनसाइड दिखाई देती है, जो आंखें होती है वो डीप इनसाइड, ये टर्म है एनोफ्थाल्मस। एक दूसरी टर्म यूज होती है एक्सोफ्थाल्मस, एक्सोफ्थाल्मस होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्सोफ्थाल्मस होता है। उसमें क्या होता है, जैसे इसमें डीप इनसाइड होती है उसमें आंख होती है, तो वो हमें बाहर की साइड प्रोट्रूडेड दिखाई देती है, बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती है, वो मोस्ट कॉमनली देखने में मिलता है हमें हाइपरथायरॉयडिज्म में, जो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है उसमें एक्सोफ्थाल्मस देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट सिंड्रोम है रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम क्या होता है, एस्पिरिन ड्रग की टॉक्सिसिटी से, जब एस्पिरिन ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है या वायरल इन्फेक्शन होता है कोई भी, सच है जैसे फ्लू है या चिकन पॉक्स है, तो इसकी वजह से जो मोस्ट कॉमनली चाइल्ड में देखने को मिलता है उसका लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी से। मैं आपको थोड़ा सा एस्पिरिन के बारे में बता देता हूँ। तो एस्पिरिन ड्रग है वो अगर हम लो डोज में देते हैं अप टू 150 mg तक देते हैं तो वो काम करती है एंटी प्लेटलेट। अगर हम इसकी डोज इंक्रीज कर देते हैं अप टू अगर 150 से 300 mg तक इसको देते हैं तो ये काम करती है हमारी एंटी इंफ्लामेटरी। तो ये एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन करती है। इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हमें लीवर में देखने को मिलती है, लेकिन साथ में इसका जैसे ब्रेन डैमेज, जो एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी है वो ब्रेन पे भी इफेक्ट करती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली लीवर पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंड्रोम है एस्मिंजर सिंड्रोम। एस्मिंजर सिंड्रोम क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाता है ड्यू टू नैरो, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो नैरो होने की वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, उसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वीएसडी की कंडीशन में, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की कंडीशन में, जो हमारा ब्लड है वो राइट वेंट्रिकुलर से
लेफ्ट वेंट्रिकल साइड में शंट करेगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, उसको बोलते हैं एस्मेंजर सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, इसमें इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन हो जाता है, जो कि जो नॉर्मल हमारा एब्डोमिनल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 20 mmHg तक होता है, लेकिन वो इससे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इससे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पे टिश्यू फ्लूइड इंक्रीज होगा और एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो इससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस होते हैं, जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन है वो फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो इसका हम मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जिकल डीकंप्रेशन। इसका मैनेजमेंट हम करेंगे सर्जिकल डीकंप्रेशन। नेक्स्ट सिंड्रोम है अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, वैसो ओकल्सिव क्राइसिस हो जाता है। ये मोस्ट कॉमनली सीन इन सिकल सेल, सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें आरबीसी की शेप है वो सिकल के जैसे हो जाती है, इस टाइप की उसकी शेप हो जाती है आरबीसी की। जब ये ऐसी शेप वाली आरबीसी वेसल्स के अंदर ट्रेवल करेंगी तो वो स्मूथली उसके गो थ्रू नहीं हो पाएंगी और वो उसके अंदर वेसल्स के अंदर ट्रैप होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी आरबीसी इकट्ठी हो जाएंगी। और इस कंडीशन में क्या होता है, इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, डिक्रीज O2 सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी पेशेंट की, और क्या होगा, चेस्ट पेन। और क्या देखने को मिलेगा हमें इसमें, स्प्यूटम प्रोडक्शन, स्प्यूटम प्रोडक्शन देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में, ये वैसो ओकल्सिव क्राइसिस हो जाता है। इसके लिए हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले हमारी होती है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम उसको फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ताकि जो हमारे जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो कम हो सके और इजिली वो गो थ्रू हो सके वेसल्स के अंदर, आरबीसी वहां पे ट्रैप कम से कम हो। और इसके साथ में हम O2 सप्लाई भी देंगे, लेकिन हमारा मोस्ट प्रायोरिटी आंसर जाता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट करते हैं, उसको रिहाइड्रेशन प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट हमारी प्रायोरिटी होती है O2 सप्लाई के लिए। देखिए हम नेक्स्ट अपना सिंड्रोम देखते हैं, जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है ड्यू टू कोई भी इंफ्लामेशन कंडीशन, ड्यू टू इंफ्लामेटरी प्रोसेस हो या फिर लो लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट। ये मोस्टली देखने को मिलता है, लो लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट क्या होता है बता देता हूं आपको, ये मोस्टली देखने को मिलता है लो बर्थ वेट बेबीज, जो प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है उन बच्चों में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि हमारा LS का रेशियो होता है, लेजिकिन और स्पेंगोमाइलिन का रेशियो होता है, वो होता है नॉर्मल टर्म डिलीवरी पे 2:1। लेकिन जो प्री टर्म डिलीवरी हो रही है उसमें हमारा लेजिकिन और स्पेंगोमाइलिन का रेशियो हो जाता है 1:1 देखने को मिलता है। तो लेजिकिन उसमें इस कंडीशन में 1 रह जाता है, इससे कम हो जाता है 2 से कम, तो ये अपना नॉर्मल मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। इसमें हम आर्टिफिशियली सर्फेक्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे के अंदर, और वो के इसके लिए एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि रूट कौन सा होता है, तो वो रूट होता है हमारा एंडोट्रेकियल, एंडोट्रेकियल रूट से हम इसमें डेक्सामेथासोन या बेटामेथासोन स्टीरॉइड्स उसमें हम एंडोट्रेकियल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा अनदर सिंड्रोम। अनदर सिंड्रोम कुछ भी नहीं है, ये एक बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स का ग्रुप है। तो वो क्या है, जैसे इसमें एलोपेशिया होगा, एलोपेशिया होता है लॉस ऑफ हेयर्स, लॉस ऑफ हेयर ऑफ हेड, जो सर के बाल झड़ने लग जाते हैं एलोपेशिया। नेक्स्ट नेल डिस्ट्रोफी, जो नेल्स होते हैं उनकी डिस्ट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। थायरॉयड फंक्शन है वो इम्बेलेंस हो जाएगा, थायरॉयड का फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा, TSH है, T3 T4 है, वो कम या ज्यादा हो जाएंगे। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। इसमें कोई भी सेम ग्रुप के साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं, ये बिल्कुल कोई अनदर कंडीशन है, बिल्कुल अलग है, तो इसीलिए इस सिंड्रोम का नाम है अनदर सिंड्रोम।
इसमें हम क्या करते हैं, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। इसका कुछ स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं होता है। जैसे इसमें सिम्टम्स आते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स के सिम्टम आएंगे, तो हमें सिम्टम्स के बेस पे इसका ट्रीटमेंट देना होता है। नेक्स्ट सिंड्रोम हमारा ज़ोलिंगर इलीजन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ज़ोलिंगर इलीजन सिंड्रोम में हाइपरक्लोरहाइड्रिया हो जाता है। हाइपरक्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एचसीएल। जो हमारे स्टोमक में एचसीएल रिलीज होता है उसका प्रोडक्शन ओवर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरक्लोरहाइड्रिया। तो इसको एक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ज़ोलिंगर इलीजन सिंड्रोम। अगर ये HCl का प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको भी हम एक नाम से जानते हैं, टर्म यूज करते हैं, उसका नाम है एनहाइड्रिया। एनहाइड्रिया रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था, डिक्रीज लेवल ऑफ HCl क्या कहलाता है, तो होता है एनहाइड्रिया के नाम से उसको हम जानते हैं। नेक्स्ट सिंड्रोम है डंपिंग सिंड्रोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, बहुत सारी बार इसके मैनेजमेंट से, कॉम्प्लिकेशन से, साउंड से, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, डंपिंग सिंड्रोम बिलरोथ सेकंड के अंदर देखने को मिलता है, जब हम सब टोटल गैस्ट्रोस्टोमी करते हैं, गैस्ट्रेक्टमी करते हैं, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी करते हैं, तो हमारे जो पाइलोरी रीजन होता है स्टोमक में वो रिमूव कर देते हैं, और कुछ पार्ट ड्यूओडेनम का भी रिमूव कर देते हैं। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर ना होने की वजह से जो भी फूड कंटेंट स्टोमक में जाता है वो इमीडिएटली एम्प्टी हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में इमीडिएटली एक सडन एम्प्टी होगा, तो उसमें एक साउंड आती है, जो होती है बार्बोगैमिक साउंड, जिसको हम बोलते हैं बार्बोगैमिक साउंड। ये साउंड सडन एम्प्टी होने की वजह से सुनाई देती है। ये कॉम्प्लिकेशन होता है सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी का, या फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर लेस कॉम्पिटेंट हो, वो अच्छे से अपना फंक्शन नहीं करना, उस कंडीशन में भी ये देखने को मिलता है। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या करते हैं। मैनेजमेंट में क्या है, जैसे ही पेशेंट को खाना खिलाया है, उसके बाद में लाई डाउन पोजिशन में रखते हैं, इसके बाद सुपाइन पोजिशन देते हैं, लाई डाउन पोजिशन या सुपाइन पोजिशन में पेशेंट को रखते हैं इमीडिएट आफ्टर फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनता है कि इसमें डाइट क्या प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो इसमें हम ऐसी डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे जो इजीली या जल्दी से एम्प्टी ना हो, जल्दी से डाइजेस्ट ना हो, तो हैवी फूड इसमें देते हैं, जैसे कि हाई फैट डाइट इसमें हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, और खाने के बीच में या खाने के साथ में कोई भी लिक्विड नहीं देंगे। इसमें लिक्विड अवॉइड करना है, लिक्विड अवॉइड करेंगे, लिक्विड उसको नहीं देंगे, और इसमें साथ के साथ इसमें हम लो कार्बोहाइड्रेट के साथ हाई फैट डाइट देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंड्रोम रोकिटोन्सी मेयर कोसर होसर सिंड्रोम। ये क्या होता है, इसमें कंप्लीट वजाइनल एजेनेसिस होता है। इसमें जो वजाइना होती है फीमेल चाइल्ड की वजाइना, वो कंप्लीटली एजेनेसिस रहती है, वो बन ही नहीं पाती है। किस वजह से नहीं बन पाती है, ड्यू टू मालफॉर्मेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट के मालफॉर्मेशन होने के कारण वो कंप्लीट वजाइनल एजेनेसिस होता है इसको। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे अपनी खत्म करते हैं, जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने अपनी नई वीडियो लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, और आपको कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर कोई रिकमेंडेशन हो, कोई स्पेशल क्लास चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में वो हमें लिख के बता सकते हैं, हम आपके लिए वो क्लास अरेंज करवाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, द नर्सिंग ऑर्बिट चैनल है हमारा, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।